सबसे पहले मेरा नाम माने थे एंड मैंने अपना करियर शुरू किया था 2007 से और 2008 में मैंने ग्लैड्रेक्स किया, मैंने कुछ मैंने एक रियलिटी शो किया, मैंने फिर एक्टिंग की ट्रेनिंग ली और थिएटर किया कॉलेज लेवल पे, थोड़ा सा थिएटर किया, मैंने टीवी किया जी के साथ, कॉल्ड जी के साथ शो था करोल, फिर सेकंड शो था मेरा जी के साथ कॉल्ड राम मिलाई जूटी, फिर मेरे साथ मेरा स्टार के साथ एक शो था कॉल्ड खामोशियाँ, फिर मैंने एक फिल्म किया बैंड बाजा बारात वायर एफ के लिए, यशराज फिल्म्स के लिए, डायरेक्टेड बाय मनीष शर्मा जिसमें अनुष्का और रणवीर थे, वो किया मैंने। एक फिल्म किया बिजॉय के साथ कॉल्ड बिजॉय नामवर के साथ, द फिल्म कॉल्ड रश, बेसिकली इट वाज अ सीरीज केम ऑन एमटीवी और समथिंग लाइक दैट सॉर्ट ऑफ। ये मैंने एक फिल्म किया, एक जर्मन फिल्म किया फॉर अ फिल्म मेकर कॉल्ड माइकल कैरन, उन्होंने एक फिल्म बनाया था, इट वॉज इंडियन बेस्ड फिल्म कॉल्ड विद अ गर्ल विद द इंडियन एमरल्ड विच रिलीज इन 2014 नवंबर, विच इज़ वेरी सक्सेसफुल फिल्म देयर। फिर मैंने एक फिल्म किया अमित शर्मा के साथ, ये मेरा एक फिल्म आ रहा है 26 फरवरी को, लव शगुन, डायरेक्टेड बाय संदेश नायक। मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि इस साल मेरा एक स्टार्टिंग में मेरा एक फिल्म आ रहा है, सो यस इट्स अ वेरी गुड हाई। अच्छा, पहले फिल्म रोम कॉम चुनी है आपने, ऐसा क्या थॉट प्रोसेस था इस फिल्म को चूज करने के लिए? सर मैं बहुत छोटा हूँ फिल्म चूज़ करने के लिए, फिल्म ने मुझे चूज़ किया, मैंने फिल्म को चूज़ नहीं किया, मेरे पास ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मेरे पास नहीं था कि मेरे को 4-5 फिल्म्स में से कोई एक डिसाइड करना था। मैंने इस फिल्म के लिए मुझे कास्टिंग डायरेक्टर ने बुलाया और उन्होंने बोला कि भाई एक रोल है आपके लिए, अच्छा सा आप करेंगे, तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं ना करूँ। मैंने उसके लिए ऑडिशन दिया, मुझे ऑडिशन बहुत अच्छा लगा, मैंने जिस तरीके से हम लोग ने ऑडिशन दिया था वेरी नेचुरल वेरी ऑर्गेनिक, जिस तरीके से उन्होंने ऑडिशन ऑर्गेनाइज किया था जो क्रिएटिव है फिल्म के, उनको मेरा ऑडिशन बहुत पसंद आया, तो डायरेक्टर ने देखा तो उन्होंने कहा भाई एकदम रोल में फिट होते हैं, उनको बुला लीजिए, एक मीटिंग हुआ और उन्होंने मुझे साइन कर लिया। किरदार की बात करें तो किस तरह का किरदार होगा? मेरे कैरेक्टर का नाम है सैंडी, जो बहुत ही इज अ सेल्फलेस एज लॉन्ग एज फ्रेंड्स आर कंसर्न, ऑफकोर्स ये भी अपनी बहुत वैसा है, लेकिन जब वेन इट कम्स टू हिज फ्रेंड्स इज वेरी सेल्फलेस, ही रियली जेन्युइनली वॉन्ट्स टू हेल्प हिज फ्रेंड, बिकॉज उसका जो दोस्त है वो प्यार मोहब्बत के चक्कर के अंदर वो एस्ट्रोलॉजी और वो शगुन निकालना और ऐसे शादी होगी और वैसे शादी होगी, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी को बुरा नहीं मानता हूँ, बट मेरा एक ये मानना है कि जब आप जिस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, जिस चीज़ के लिए आप कोशिश करते हैं, अगर आप अपनी कोशिश में ऑनेस्ट हैं तो ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिल सकती। तो और एस्ट्रोलॉजी एक होती है कि आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए होती है, और मैं नहीं समझता कि कोई फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है। हाँ ठीक है, देर आर सर्टेन एवेंसेज जो साइंटिफिकली होता है वो लोग समझ पाते हैं, लेकिन तो ही जस्ट वॉन्ट्स टू टेल हिज फ्रेंड डेट ओके एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट, बट मोर देन दैट तेरा रिलेशनशिप तब काम करेगा जब तू एफर्ट्स करेगा, जब व्हेन यू एक्चुअली लव समबडी तो तेरा रिलेशनशिप काम करेगा। फिल्म में एक टैगलाइन है दिल की सुनो या माँ की, तो आपकी लाइफ में अभी ऐसा कोई सिचुएशन आया कि हाँ मैं दिल की सुनो या माँ की सुनो, ऐसा कोई किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? फॉर्चुनेटली मेरी मॉम, ऐसा नहीं कि वो मेरी मॉम, इसलिए बोल रहा हूँ शी इज द स्वीटेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड, तो वो हमेशा इनफैक्ट मुझसे पूछते हैं कि भाई आपको क्या अच्छा लगता है, तो जब मैं बोलता हूँ कि मुझे ये अच्छा लगता है तो बोलते हैं कि जो जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा हमको अच्छा लगता है। एंड सेकेंडली कभी कभी ऐसा होता है कि मैं खुद प्रैक्टिकल डिसीजन लेता हूँ कि नहीं ये अच्छा है मेरे लिए, एंड शी ऑलवेज सेज कि नहीं अगर आपका दिल कर रहा है आप प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हो बिकॉज यू नो यू वॉन्ट टू टेक दैट डिसीजन, और वेयर एज आपका दिल क्या कर रहा है, आपका दिल अगर कर रहा है, जैसे मैंने एग्जाम्पल अभी रिसेंटली आई वॉन्टेड टू बाय अ सुपर बाइक, आई एम अ बाइकर बेसिकली, आई वॉन्टेड टू बाय अ सुपर बाइक, तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था यार कि मैं बाइक ले लेता हूँ तो, बट वो होता है कि यार you know you have your finance and stuff like that sort of, it's an expensive investment, so I thought yaar main lu ya na lu to meri mom ne bas, maine generally ek din mom ko pucha, maine kaha thoda sa man kar raha bhai, she said ki agar man kar raha hai to jao, go and buy a bike, it's as good as that, it's simple, you know, tum kyun apne aap ko aisa karte ho, theek hai, it's fine, jab jahan pe practical decisions ki zarurat hoti hai wahan pe wo bhi lene chahiye, लेकिन अभी आपको दिल कर रहा है आप बाइकर हो, आप चाहते हो ले लो। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आप बाइकर हो, कराटे करते हो, तो उसके बारे में कुछ बताइए, ये सारी की शुरुआत कब से हुई और कब से आपको ये शौक था? आई एम अ जिमनास्ट,
2008 में मैं एक्चुअली शुरू से ही अपने स्कूल लेवल पर ही मैं बहुत स्कूल लेवल पर ही बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत आगे था और एकेडमिक्स में मैं शायद उतना नहीं था. आई वाज ऑलवेज एवरेज इन मीडियोकर इन एकेडमिक्स बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स में मैं बहुत अच्छा था. आई यूज टू बाइक राइड अलॉट, आई यूज टू हॉर्स राइडिंग, वॉलीबॉल मैं बहुत खेलता था, मैं स्प्रिंट करता था, स्विमिंग मैं नेशनल लेवल स्विमिंग अपने कॉलेज लेवल पे स्कूल लेवल पे करता था. तो यस, मेरे कॉलेज में मुझे बोलते थे भाई आप कम पढ़ोगे चलेगा लेकिन आप कॉम्पिटिशन का ख्याल रखना. तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि वो सब चीज़ें जो मैं पहले करता था, और मैंने अगर आप मुझे ऑनेस्टली पूछेंगे मैंने एक भी दिन कभी ये नहीं किया, ये नहीं सोचा कि मुझे हाउ आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ. मैंने हमेशा यही सोचा कि यार कि मैं किस तरह से मैं हर दिन अपना जीना चाहता हूँ, कि हर दिन मुझे क्या अच्छा लगता है. मैं उस तरीके से मैंने कभी ऐसे लाइफ के बारे में नहीं सोचा कि ओके दिस इज़ माई गोल एंड आई वॉन्ट टू रीच हियर समथिंग लाइक दैट. कुछ जो लोग ऐसा करते हैं वो भी अच्छा, लेकिन मेरे लिए जो काम करता है आई वॉन्ट टू बी हैप्पी एंड प्रेजेंट हियर राइट नाउ एंड इफ आई एम हैप्पी इवेंचुअली मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा. इसके अलावा आपने छोटे पर्दे पर भी काम किया है, बड़े पर्दे पर भी काम किया है, तो आपसे जानना चाहूँगा कि दोनों साइड में आपने क्या डिफरेंस महसूस किया आपने. अब जब आप एक बड़े पर्दे पर एक फुल फ्लेज फिल्म कर रहे हो तो जानना चाहेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस महसूस किया. सी देर आर टू डिफरेंट मीडियम्स, टीवी और फिल्म, देर आर टू डिफरेंट मीडियम्स. टीवी, मैं सबसे पहले टीवी की बात करूँगा बिकॉज टीवी ने मुझे बहुत सारा काम दिया. लोगों ने मेरे काम को, मेरे परफॉर्मेंस को, मुझे एज अ पर्सन बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत एडमायर मिला. एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ दैट आई हैड टू वर्क विद फ्यू वेरी इंटेलेक्चुअल गुड पीपल हु रियली वर्क वेरी गुड, और उन्होंने मुझे काम दिया. आई एम रियली फॉर्चुनेट अबाउट दैट. और अच्छा काम मैंने किया अभी तक टीवी में, जितना भी जो मैंने काम किया वो मैंने बहुत अच्छा काम किया. टीवी एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाएगा आजकल टीवी की रीच जो है इतनी सारी कंट्रीज़ में है. तो मैं एक बार ही एक फिल्म का शूट कर रहा था जर्मनी में, तो मैंने सुबह सुबह जब मैंने टीवी ऑन किया तो वहाँ पर जी टीवी के ऊपर मेरा एक पुराना शो आ रहा था. एंड आई वाज ऑलमोस्ट इन टू टीयर्स दैट हम लोग जब काम करते हैं हम लोग को कहाँ कहाँ देखने को क्या क्या मिलता है. सो दैट इज़ समथिंग स्ट्रेंज. आप इमेजिन करो आप हिंदुस्तान के एक कोने के अंदर, एक मुंबई के उसके भी एक कोने के अंदर आप एक सीरियल का शूट कर रहे हैं और उसका जो टेलीकास्ट हो रहा है वो आपको जर्मनी के स्क्रीन पर दिख रहा है. तो इट्स अ ह्यूज हाई, यू नो. एंड तो टीवी ने मुझे बहुत कुछ दिया. और देन यस, हर एक्टर का ये सपना होता है दैट वो इवेंचुअली फिल्म्स करे, बिकॉज फिल्म्स ऑफ कोर्स 70 mm बहुत अच्छा लगता है यार. मैं माई लाइफ हैज ऑलवेज बिन, आई हैव ऑलवेज बिन इन्फ्लुएंस्ड बाय फिल्म्स एंड फिल्म स्टार्स एंड एक्टर्स. एंड आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट मेट संजय दत्त, आई वॉज ऑस्ट्रक. I said, how can a person look so handsome? And he looks so deadly, and he's fantastic. And I got to see Mr. Bachchan. Oh my God. And when he said something, he was saying something to media. I saw him in an event, first time. जो मैं lines बोलने वाला था वो तो मैं सब कुछ भूल गया और मैं उनको देख रहा हूँ. And I was literally यार कि एक इंसान इतना humble कैसे हो सकता है. तो I always look up to these guys. I once met Hrithik Roshan, and they were happened to be together, Hrithik Roshan and Farhan Akhtar. There was a moment for me, and I was so happy to look at them. You know, whereas जहाँ पर मैं रहता था, मैं मलाड में एक जगह पे रहता था, तो वहाँ पे मेरे घर के opposite एक studio था. वहाँ पर Mr. Aamir Khan, he was shooting for his TV show. जो उन्होंने टीवी शो किया था वो सत्ते में विजय थे, उसका शूटिंग कर रहे थे. मैंने एक बारी मैं साइड में खड़े होकर उनको देख रहा था कितने डेडिकेटेडली ये लोग इतने सालों के बाद भी काम करते हैं. मैं इन लोगों से बहुत बहुत सीखता हूँ. मैंने जब अपना फर्स्ट फिल्म किया था बैंड बाजा बारात, तो मैंने रणवीर से बहुत सीखा था, इज़ वेरी एनर्जेटिक. मैंने अनुष्का से बहुत सीखा. अनुष्का एंड मैं हम लोग एक ही इंस्टीट्यूट से हैं कॉल्ड क्रिएटिंग कैरेक्टर्स. हम लोग वो एक ही इंस्टीट्यूट से वहाँ से जहाँ से हमने एक्टिंग सीखा. और मुझे हमेशा सर ने बोला कि अनुष्का इज़ वेरी एनर्जेटिक. अगर मुझे नहीं मालूम था मुझे ऐसे ही उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, फिर मैंने उनको जाके बताया कि मैं ऐसे. बट इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी गुड जर्नी. है टीवी ने मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे रीच दी. मुझे मैंने अपना फर्स्ट ऑटोग्राफ साइन किया बिकॉज ऑफ टीवी. मैंने अपना फर्स्ट सेल्फी दी बिकॉज ऑफ टीवी. मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया बिकॉज ऑफ टीवी. मैंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी बिकॉज ऑफ टीवी.
मैंने अपनी फर्स्ट सुपर बाइक खरीदी बिकॉज ऑफ टीवी एंड अभी रिसेंटली आई बॉट माय ओन हाउस दैट इज बिकॉज ऑफ टीवी सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू एंटायर टीवी फ्रेटर्निटी एंड आई होप मैं जब फिल्म में काम करूँ ये मेरा बहुत छोटा सा रोल है मैं चाहता हूँ कि मुझे आगे और अच्छे रोल मिले और मैं ऐसा प्रे करता हूँ और ऐसा चाहता हूँ और ऐसा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे काम को लोग पसंद करें और मुझे और बेहतर रोल मिला जैसे कि आपने बड़े पर्दे पर एंट्री कर दी है तो जब भी कोई बॉलीवुड में आता है तो उनका ये ख्वाहिश होती है कि वो ऐसी इस तरह की फिल्म कर